नमस्कार, स्टेट टाइम्स की टॉप 10 न्यूज में आप सबका स्वागत है। अभी तक की बड़ी खबरें इस प्रकार हैं। टारगेट किलिंग के लिए जा रहा आतंकी मददगार दबोचा गया, अनंतनाग पुलिस ने बरामद किए हथियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में INS विक्रांत के कमिश्निंग समारोह में लिया भाग। पुलवामा में आतंकियों ने मजदूर को मारी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। जम्मू कश्मीर में सभी रिक्त सरकारी पदों पर 8 माह में होगी भर्ती, LG मनोज सिन्हा बोले पारदर्शी होगी प्रक्रिया, विज्ञापन जल्द होगा लॉन्च। लद्दाख में वर्ष 2021 में देशद्रोह का कोई केस दर्ज नहीं किया गया, हिंसक अपराध भी हुए कम। LG मनोज सिन्हा ने बताया कि जम्मू कश्मीर के प्रत्येक जिले में खुलेगा नशा उन्मूलन केंद्र। जम्मू में कल से शुरू होगा जम्मू फिल्म फेस्टिवल, फिल्म महोत्सव में 15 देशों की 54 फिल्में होंगी प्रदर्शित। कांग्रेस के 60 कार्यकर्ताओं व नेताओं का त्याग पत्र, गुलाम नबी आजाद के समर्थन में लिया ये फैसला। जम्मू कश्मीर में बीते वर्ष आपराधिक वारदाताओं में 24.6% की हुई बढ़ोतरी, NCRB की रिपोर्ट से हुआ ये खुलासा। तो ये थी अभी तक की कुछ बड़ी खबरें, और खबरों के लिए देखते रहें स्टेट टाइम्स।